सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इंट्राडे गाइड को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और इस लिंक को दबाइए, इससे आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच सकते हैं और आप मेरे ग्रुप पे ऐड हो सकते हैं। तो इस ग्रुप पे मैं आपको बताऊंगा जब भी मार्केट ओपन होगा, मार्केट आवर्स के अंदर मैं आपको कॉल्स प्रोवाइड कराऊंगा जिस पे आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो ये मेरे व्यूअर्स के लिए है। तो अभी आपने अगर मेरे टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड नहीं करा है तो अभी जाकर डाउनलोड करिए और इस लिंक को दबा के मेरे चैनल पर तुरंत ऐड हो जाइए। अभी कुल 1000 पीपल्स ऐड हो चुके हैं और भी ऐड हो जाएंगे तो आपको शॉर्ट शॉर्ट प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। हे गाइस, स्वागत है आपका इंट्राडे गाइड पे। मैं हूं आपका दोस्त शिवांश भसीन। तो आज हम बात करेंगे 22 मई को आप में निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या करके चलना है, कौन से स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं, जो आज मंडे के मार्केट में मैंने आपको स्टॉक सजेस्ट करे थे वैसे आउट परफॉर्म करे थे। तो अगर हम बात करते हैं आज का सेशन कैसा गया, तो मैंने आपको 5 स्टॉक्स दिए थे क्योंकि हम देख रहे हैं कि मार्केट अब गिरना शुरू हो गई है। तो अगर गिरती मार्केट में भी हम प्रॉफिट कमा सकते हैं सेल करके तो क्यों ना कमाए। तो मैंने आपको ऐसी 5 सेलिंग आइडियाज दिए थे जिसमें मैंने आपको स्ट्राइड, शासन, एक्सिस बैंक, साउथ इंडियन बैंक, जेट एयरवेज और HDFC बैंक दिए थे। तो आज इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं तो आप समझ जाएंगे कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ या हमें कितने परसेंटेज से प्रॉफिट हुआ। तो इसको आज ध्यान से सुनिएगा। अगर हम बात करते हैं ये 5 स्टॉक्स का, अगर हम परसेंटेज निकाले जो क्लोजिंग प्राइस में, जो मार्केट में अभी क्लोज हुआ है जिस प्राइस में, अगर हम उसके हिसाब से अगर हम परसेंटेज निकालते हैं तो हमें 4.5% तक का प्रॉफिट हुआ है इन 5 स्टॉक्स में। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें एक एक स्टॉक में 1-2% का परसेंटेज इंक्रीज हुआ जिसकी वजह से हमारा 4.5% बन रहा है। मैं आपको एवरेज करके बता रहा हूँ कि हमें 4.5% का पूरे पोर्टफोलियो, जो भी मैंने आपको 5 स्टॉक सजेस्ट करे थे उसमें हमें प्रॉफिट हुआ है। अगर हम इंडिविजुअल स्टॉक की बात करें तो स्ट्राइड साचन में हमें 12% का प्रॉफिट हुआ है। अगर हम क्लोजिंग बेसिस पे बात करते हैं, अगर हम लो, अगर उसने जो लो बनाया उसके बेसिस पे बात करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। क्लोजिंग बेसिस में हमें 12% का प्रॉफिट हुआ है स्ट्राइड साचन में, एक्सिस बैंक में 1.5% का हुआ, साउथ इंडियन बैंक में 4.5% का हुआ, जेट एयरवेज में 4% का हुआ, HDFC बैंक में 1% का हुआ। तो इतने आपको प्रॉफिट हमने करा के दिए अपने स्ट्रैटेजी से। तो मेरे पास बहुत से व्यूअर्स के, मेरे पास बहुत से टाइम में कॉल आए कि वो उन्होंने बोला कि मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, हमने पहली बार आपकी वीडियो को देखकर इन्वेस्ट करा था तो हमने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। तो आप ऐसी इंट्राडे स्ट्रैटेजीज बनाते रहिए। तो मैं आपको एक खास बात बताना चाहूंगा कि अगर आपको ऐसे ही प्रॉफिट कमाना है तो मैंने आपको बहुत सी वीडियोज में बता चुका हूं कि आपको 2 चीजों को जरूर फॉलो करना है मार्केट ओपन होने से पहले। एक तो मेरी वीडियो के स्टॉक्स को देखना है और जो मैं ध्यान से बोल रहा हूँ पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में उसे ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि अगर आप उसके बारे में ध्यान से नहीं सुनेंगे तो शायद आप फिर कुछ उल्टा सीधा ट्रेड ले लेंगे। अगर मैं आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा हूँ और मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर बाय करना पर वहां से शायद गिरावट शुरू हो जाए और आप लोग बाय कर ले तो आपका लॉस हो जाए, तो आपको ध्यान से देख कर बाय करना पड़ेगा। इसलिए आपको पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना पड़ेगा। और दूसरी बात, मैं आपको अपने एक ब्लॉग में लेकर जाने वाला हूँ, वहां पर मैं सबसे पहले अपडेट कर देता हूँ, मार्केट ओपन होने से पहले ही अपडेट कर देता हूँ कि ये स्टॉक्स चलने वाले, इन स्टॉक्स पे बैड न्यूज है, इन स्टॉक्स में पॉजिटिव न्यूज है। तो आप वो जरूर देखा करिए, आपको मैं इस वीडियो के बाद उसमें लेकर चले जाऊंगा। तो ये स्टॉक्स हैं जो कल के मार्केट में आउट परफॉर्म कर सकते हैं, ऑरोफार्मा, HCLTech, IOC, बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। और फार्मा की बात करें तो सेल करने की सलाह दी जाएगी 562-556 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 572 का लगा के चलना है। आइए, जो भी आपको मैं 5 स्टॉक सजेस्ट कर रहा हूँ इसके बारे में अगर कोई पर्टिकुलर पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज आती है तो फिर हमें स्टॉक को वहां से हटा देना, हमें स्टॉक में ट्रेड नहीं करना। ये से मैं आपको चार्ट के बेसिस में ही बता रहा हूँ, और या अगर कोई पर्टिकुलर इसके बारे में न्यूज होगी तो वो भी मैं आपको साथ में बता दूंगा, और अगर इसके बारे में कोई न्यूज आनी होगी तो वो भी मैं अपने ब्लॉग चैनल पे अपडेट कर देता हूँ, जो भी आपको वहां पर 8 बजे के करीब सुबह मिल जाता है। तो अगर हम बात करें HCLTech, बाय करने की सलाह दी जाएगी जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो हमारी इंडियन रुपीज है वो डेप्रिशिएट कर रहा है, यूएस डॉलर इंक्रीज कर रहा है, HCLTech को भी फायदा हो सकता है, IT सेक्टर्स को फायदा हो सकता है। तो HCLTech बाय करने की सलाह दी जाएगी 900-906 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको 879 का मेंटेन करके रखना पड़ेगा। IOC सेल करने की सलाह दी जाएगी जिस तरीके से हमने देखा था कि IOC ने गिरावट शुरू करी थी और हमने देखा कि आज उसमें थोड़ा बहुत परसेंटेज इंक्रीज आया क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिर गए थे।
पर हमने देखा कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस वापस इंक्रीज होना शुरू हो गए हैं। जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम क्रूड ऑयल के प्राइसेस वापस इंक्रीज होना शुरू हो गए हैं, तो शायद इस स्टॉक में, पर्टिकुलर स्टॉक में हम गिरावट आते हुए देख सकते हैं। तो 162 158 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 169 का लगा के चलना पड़ेगा। इस स्टॉक के लिए अगर मैं बताऊं तो इस स्टॉक का कल हमें क्वार्टरली रिजल्ट भी आना है, और क्वार्टरली रिजल्ट कैसा आना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो उसे ध्यान से सुनिएगा। आपको मैं कुछ दिखाने वाला हूँ, आप समझ जाएंगे। तो सबसे पहले इस स्टॉक को वॉच करना, उसके बाद ही ट्रेड लेना। तो आपको स्ट्रैटेजी में इस वीडियो के आखिरी में बता दूंगा। IOC के लिए बंधन बैंक सेल करने की सलाह दी जाएगी 465-459 तक के टारगेट्स के साथ। स्टॉप लॉस आपको 476 का लगा के चलना पड़ेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा सेल करने की सलाह 126.70-121 तक के टारगेट्स। स्टॉप लॉस आपको 135 का लगा के चलना पड़ेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत गिरावट है, बहुत नेगेटिव चार्ट स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से हमने आज इसमें बाउंस बैक आते हुए देखी। क्योंकि मैंने अपने ब्लॉग में पहले ही डाल दिया था कि जो भूषण स्टील और टाटा स्टील की जो एक्वायरिंग हुई है उसकी वजह से जो इन बैंकों को सबसे ज्यादा प्रॉफिट होने वाला, जिस तरीके से IOC और बैंक ऑफ इंडिया को भी हुआ था, तो ये स्टॉक भी ऊपर गया था उस न्यूज की वजह से। तो शायद हम इसमें आप कल के टाइम में या दो दिन के अंदर एक सेल ऑफ आते हुए देख सकते हैं, और अच्छी खासी गिरावट दो दिन के अंदर हम इसके अंदर आते हुए देख सकते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें तो हमारे दोनों टारगेट्स अचीव हो गए थे। अगर हम फ्यूचर्स की बात करते हैं तो फ्यूचर्स के मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ सेल करने की सलाह 510-470 तक के टारगेट्स के साथ। स्टॉप लॉस आपको 610 का लगा के चलना पड़ेगा। कल अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी में बाउंस बैक आता है, थोड़े ऊपर के लेवल बनते हुए देखने को मिलते हैं, तो वहां से आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी स्कॉट्स बाय करने की सलाह दी थी, अगर 890 के ऊपर निकलता तो मैंने आपको 950 पे बाय बोला था कि बाय करना जब 890 के ऊपर निकलेगा। पर हमने देखा कि वो 890 के ऊपर निकला ही 11 बजे तक, पर 11 बजे जिस तरीके से वो 890 के ऊपर निकला, हमने 908 तक के लेवल भी इसमें बनते हुए देखे, और हमें सारे टारगेट स्कॉट्स के अंदर अचीव होते हुए दिख गए। और अगर हम बात करते हैं फ्यूचर रिटेल, तो मैंने फ्यूचर रिटेल के लिए आपको सेल करने की सलाह दी थी, और हमें 15 मिनट के अंदर ही हमें लोअर लेवल आते हुए दिख गए, और हमारे टारगेट उसके अंदर भी अचीव हो गए थे। तो मैं आपको कुल 7 स्टॉक्स बताए थे जिसके हमें सातों के सातों टारगेट अचीव होते हुए दिख गए थे। तो अब कल सेशन में आपको इंटरनेट सेशन में ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी दूंगा, आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में कौन सी ऑप्शन स्ट्रैटेजी लगा के चलनी है टेलीग्राम चैनल के अंदर ही मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर अभी तक आप ऐड नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप लिंक है, वहां से ऐड हो सकते हैं। तो बैंक निफ्टी की बात करें तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, 25,650 के लेवल से आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत बाउंस बैक आ सकता है क्योंकि SBI के भी रिजल्ट है, अगर हम बात करें SBI के रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आने पर उसकी वजह से हम देख सकते हैं ICICI बैंक जैसे एक्सिस बैंक जिस तरीके से ऊपर गए थे, तो शायद इस पर भी एक शॉर्ट कवरिंग रैली बन सकती है। तो ध्यान रखना पड़ेगा हमें कल के मार्केट को, बहुत वोलेटाइल मार्केट हो सकता है कल का मार्केट। 26,950 तक का हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ये फ्यूचर्स से आपको मैं टारगेट स्टॉप लॉस बता रहा हूं। तो हम बढ़ते हैं अब चार्ट्स, जो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला था उसकी तरफ बढ़ते हैं। देख सकते हैं कि मैंने अपना ब्लॉग ओपन करके रखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले ब्लॉग में डाल दिया कि IOC के कल रिजल्ट्स आने वाले हैं, और जो ब्रोकरेजेस हैं, जो बड़ी बड़ी ब्रोकरेजेस हैं, मोतीलाल ओसवाल शेयर खान, उनका कहना क्या है कि क्या रिपोर्ट बन सकती है, क्या इस स्टॉक में जो इस कंपनी है इसके रिजल्ट आ सकते हैं। तो उसके हिसाब से आप अपना खुद का स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, और कल के मार्केट में आपको मैं टेलीग्राम चैनल में बताई दूंगा। अगर हम बात करते हैं इसमें, आपको मैं ये चीजें दिखा रहा हूँ जो मैं किसी को भी नहीं दिखाता। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने बताया है कि अशोक लेलैंड का गिरने का रीजन क्या था, SBI के कल मार्केट में रिटर्न आने हैं तो कैसे इसके रिजल्ट्स आ सकते हैं, और भी अगर मैं आपको खास चीजें बताऊं जिसमें लोग बहुत फोकस करते हैं तो आप उसको भी ध्यान से देखिएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा टॉप क्वांटिटेटिव स्ट्रैटेजी फॉर द वीक। यहाँ पर मैंने आपके लिए बहुत पुट एंड कॉल की ऑप्शन स्ट्रैटेजी यहाँ पर रखी है, जो आप खुद मार्केट में यूज कर सकते हैं और अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। जो बहुत से वेल्दी ब्रोकरेज फर्म्स हैं वो 3 हफ्ते के लिए कौन से स्टॉक्स हमें सजेस्ट कर रहे हैं वो भी आप इसमें देख सकते हैं। तो मैं बहुत सी ऐसी वीडियो ब्लॉग इसमें डालते रहता हूँ जो आपके काम में आएंगी, जो आप हमेशा मार्केट में देखना चाहते हैं। अगर हम बात करें तो कम से कम 1,00,000 करोड़ का NPA है जो अब शायद खत्म हो सकता है, तो उसका रीजन क्या खत्म होने का वो आप इस वीडियो में इसके अंदर देख सकते हैं। मैंने अपनी पिछले मार्केट ओपन होने से पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर विजय बैंक ने फंड रेजिंग की बात करी है, तो ये स्टॉक हमने देखा था मार्केट की शुरुआत में ऊपर जाते हुए हमने इसको देखा था। अगर हम बात करें जयप्रकाश एसोसिएट, हमने देखा था 25% तक ये गिर गया था, और मैंने आपको बताया मार्केट ओपन होने से पहले ही मैंने इसमें अपडेट डाल दिया था कि ये क्वार्टरली लॉस है तो ये मार्केट में गिर सकता है। तो हमने देखा था कि 25% तक ये स्टॉक गिर गया था। तो बहुत सी अपडेट्स मैं इसमें शेयर करते रहता हूँ, आप खुद नहीं पढ़ सकते कि 10-12 न्यूज़पेपर हैं जो आउट इंडिया के बाहर की हैं, जो इंडिया के अंदर की हैं, जो अपडेट्स देती रहती हैं।
तो उसके बेसिस में मैं आपके आपके लिए लिए बहुत बहुत स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली चुन चुन के के लाता लाता हूं हूं जो जो जिससे जिससे आपको आपको सबसे सबसे ज्यादा ज्यादा फायदा फायदा होगा। होगा। अगर अगर हम हम बात बात करते करते हैं हैं कि कि आप आप यहाँ यहाँ पर पर देख देख सकते सकते हैं हैं कि कि यहाँ यहाँ पर पर आपको आपको ट्रंप ट्रंप की की बात बात दिख दिख रही रही होगी होगी कि कि जो जो ट्रंप ट्रंप और और चाइना चाइना के के बीच बीच में में यूएस यूएस और और चाइना चाइना के के बीच बीच में में था था कि कि वो वो ट्रेड ट्रेड टैरिफ टैरिफ जो जो था था वो वो थोड़ा थोड़ा बहुत बहुत सेटल सेटल होते होते हुए हुए दिख दिख रहा रहा है है उसकी उसकी वजह वजह से से हमारी हमारी मार्केट मार्केट में में शायद शायद कल कल एक एक बाउंस बाउंस बैक बैक आता आता है है देखने देखने को को मिल मिल सकता सकता है। है। तो तो अगर अगर आप आप ये ये न्यूज न्यूज पढ़ेंगे पढ़ेंगे तो तो आपको आपको समझ समझ आएगा आएगा कि कि मैं मैं मार्केट मार्केट में में स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी क्या क्या फॉलो फॉलो करके करके चल चल रही रही है, है, क्योंकि क्योंकि ये ये स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी अगर अगर आप आप फॉलो फॉलो करेंगे करेंगे तो तो आप आप मार्केट मार्केट को को इजिली इजिली समझ समझ पाएंगे। पाएंगे। तो तो ये ये मैं मैं आपको आपको सलाह सलाह दूंगा दूंगा कि कि आप आप यहाँ यहाँ पर पर जाइए, जाइए, एक एक बार बार मेरे मेरे डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बॉक्स में में ब्लॉग ब्लॉग का का लिंक लिंक है, है, आप आप वहाँ वहाँ पर पर जाके जाके इस इस ब्लॉग्स ब्लॉग्स को को सारे सारे ब्लॉग्स ब्लॉग्स को को देख देख के के रीड रीड करिए, करिए, जिससे जिससे आप आप समझ समझ पाएंगे पाएंगे कि कि हाँ हाँ अब अब मैं मैं मार्केट मार्केट में में काम काम करने करने के के लिए लिए तैयार तैयार हूँ, हूँ, हाँ हाँ मुझे मुझे मार्केट मार्केट की की समझ समझ आ आ गई गई है। है। और और उसके उसके बाद बाद आप आप यहाँ यहाँ नीचे नीचे थोड़ा थोड़ा जाएंगे जाएंगे तो तो आप आप यहाँ यहाँ पर पर फॉलो फॉलो भी भी कर कर सकते सकते हैं, हैं, जिसको जिसको आपको आपको पता पता लग लग जाएगा जाएगा कि कि हाँ हाँ अब अब मुझे मुझे मैं मैं जब जब भी भी कोई कोई लेटेस्ट लेटेस्ट ब्लॉग ब्लॉग अपडेट अपडेट करूंगा करूंगा तो तो आपको आपको सबसे सबसे पहले पहले पता पता लग लग जाएगा जाएगा कि कि मैंने मैंने ब्लॉग ब्लॉग अपडेट अपडेट करा करा तो तो यहाँ यहाँ पर पर आप आप फॉलो फॉलो बटन बटन दबा दबा सकते सकते हैं हैं और और आप आप वहाँ वहाँ से से फॉलो फॉलो मुझे मुझे कर कर सकते सकते हैं। हैं। तो तो ये ये आप आप जरूर जरूर पढ़ना पढ़ना जिससे जिससे आपको आपको मार्केट मार्केट के के बारे बारे में में समझ समझ आएगा आएगा जो जो भी भी मैंने मैंने आपको आपको स्टॉक्स स्टॉक्स लिए लिए हैं। हैं। कोई कोई वीडियो वीडियो पसंद पसंद आई आई तो तो इस इस वीडियो वीडियो को को लाइक लाइक करिए, करिए, मुझे मुझे कमेंट कमेंट सेक्शन सेक्शन में में जरूर जरूर बताया बताया करिए करिए कि कि आपको आपको मेरे मेरे स्टॉक स्टॉक से से प्रॉफिट प्रॉफिट हो हो रहा रहा है है नहीं नहीं हो हो रहा रहा है। है। कल कल का का मार्केट मार्केट बहुत बहुत वोलेटाइल वोलेटाइल रह रह सकता सकता है, है, तो तो हम हम कह कह सकते सकते हैं हैं कि कि हमारे हमारे जो जो स्टॉक्स स्टॉक्स मैंने मैंने आपको आपको सजेस्ट सजेस्ट करे करे वो वो शायद शायद थोड़े थोड़े ऊपर ऊपर के के लेवल्स लेवल्स दिखाए दिखाए पर पर वहां वहां से से हम हम फिर फिर बाउंस बाउंस बैक बैक आते आते हुए हुए देखते देखते हैं, हैं, शायद शायद हमारे हमारे थोड़े थोड़े से से स्टॉप स्टॉप लॉस लॉस हिट हो हिट हो जाए जाए उसके उसके बाद बाद हमें हमें टारगेट टारगेट ढूंढते ढूंढते हुए हुए देखे। देखे तो तो सारी सारी इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन मैं मैं आपके आपके साथ साथ टेलीग्राम टेलीग्राम चैनल चैनल में में शेयर शेयर करूंगा, करूंगा, मेरे मेरे साथ साथ अप अप टू टू डेट डेट रहिएगा रहिएगा टेलीग्राम टेलीग्राम चैनल चैनल पे, पे, वरना वरना मुझे मुझे टेलीग्राम टेलीग्राम पे पे अलग अलग से से ऐड ऐड कर कर सकते सकते हैं हैं और और उसके उसके बाद बाद आप आप मेरे मेरे से से क्वेश्चन क्वेश्चन कर कर सकते सकते हैं हैं कि कि मुझे मुझे इस इस पे पे डाउट डाउट आ आ रहा रहा है, है, मुझे मुझे ये ये अपडेट अपडेट चाहिए चाहिए आप आप खरीदना खरीदना है है तो तो मैं मैं आपके आपके सारे सारे सवालों सवालों के के जवाब जवाब टेलीग्राम टेलीग्राम चैनल चैनल पे पे दूंगा। दूंगा। तो तो तुरंत तुरंत डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बॉक्स में में जाइए, जाइए, दोनों दोनों लिंक लिंक को को दबाइए दबाइए टेलीग्राम टेलीग्राम को को भी भी और और मेरे मेरे ब्लॉग ब्लॉग को को भी, भी, जिससे जिससे आप आप सारी सारी यूजफुल यूजफुल इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन को को रीड रीड कर कर पाए पाए और और अपनी अपनी मार्केट मार्केट में में स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी ले ले पाए। पाए। तो तो मैं मैं शिवान शिवान बस बस ही ही यहीं यहीं पर पर वीडियो वीडियो को को खत्म खत्म करता करता हूँ हूँ और और एक एक बात बात और और बताना बताना चाहूंगा चाहूंगा कि कि मैंने मैंने अशोक अशोक लेलैंड लेलैंड जो जो जिस जिस तरीके तरीके से से गिरा गिरा है है उसकी उसकी भी भी मैंने मैंने वीडियो वीडियो डाल डाल रखी रखी है। है। आप आप उसे उसे ध्यान ध्यान से से देखिए देखिए कि कि कहाँ कहाँ सपोर्ट सपोर्ट बन बन चुका चुका है है अशोक अशोक लेलैंड लेलैंड का, का, कहाँ कहाँ हमें हमें एवरेजिंग एवरेजिंग करनी करनी है, है, कहाँ कहाँ हमें हमें फ्रेश फ्रेश बाइंग बाइंग पोजीशन पोजीशन बनानी बनानी है। है। तो तो वो वो वीडियो वीडियो भी भी यहाँ यहाँ पर पर आपको आपको शो शो हो हो रही रही होगी, होगी, इस इस वीडियो वीडियो को को भी भी आप आप देख देख सकते सकते हैं। हैं। और और फंडामेंटली फंडामेंटली कौन कौन से से ऐसी ऐसी वेबसाइट वेबसाइट है है जो जो फंडामेंटली फंडामेंटली आपको आपको बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके तरीके से से सजेस्ट सजेस्ट करती करती है है कि कि ये ये स्टॉक्स स्टॉक्स को को बाय बाय करा करा करिए। करिए। ब्रोकरेज ब्रोकरेज की की रेटिंग रेटिंग होती होती है, है, उनकी उनकी रिपोर्ट्स रिपोर्ट्स होती होती है, है, क्वालिटी क्वालिटी कैसी कैसी है, है, वैल्यूएशन वैल्यूएशन कैसी कैसी है, है, सारी सारी वो वो चीजें चीजें इस इस वेबसाइट वेबसाइट के के अंदर अंदर बताती बताती है। है। तो तो यहाँ यहाँ पर पर आपको आपको एक एक तो तो अशोक अशोक लेलैंड लेलैंड का का शो शो कर कर रहा रहा होगा, होगा, यहाँ यहाँ पर पर आपको आपको वेबसाइट वेबसाइट के के बारे बारे में में शो शो कर कर रहा रहा होगा, होगा, दोनों दोनों वीडियोस वीडियोस को को आप आप देख देख सकते सकते हैं हैं चांस चांस बाय बाय चांस, चांस जिससे जिससे आप आप एक एक प्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर इन्वेस्टर बन बन पाए। पाए। तो तो यहीं यहीं पर पर ही ही मैं मैं वीडियो वीडियो को को खत्म खत्म करता करता हूँ। हूँ। मैं मैं मिलता मिलता हूँ हूँ आपसे आपसे कल कल नई नई वीडियो वीडियो के के साथ। साथ साइनिंग सा